फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर के अंदर हम लोग मैकावाज एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे। अगर हम मैकावा एल्गोरिदम की बात कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि मैकावा एल्गोरिदम एक नॉन टोकन बेस्ड एल्गोरिदम है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर। ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स में नॉन टोकन दो एल्गोरिदम डिस्कस कर चुके हैं, लैम्पॉट्स और रिकार्ड अग्रवाला। थर्ड एल्गोरिदम है हमारी मैकावाज। मैकावा एल्गोरिदम में भी एक रिक्वेस्टिंग सेट है, जो हमने रिक्वेस्टिंग सेट लिया है आर आई हैविंग साइड्स S1 to SN। ये लास्ट दोनों एल्गोरिदम से डिफर करती है, बट अगर हम पॉइंट्स की बात करें, स्टेप्स की बात करें, तो स्टेप्स यहाँ पर भी पहले दोनों एल्गोरिदम्स की तरह सेम है। रिक्वेस्टिंग द CS, दैट इज क्रिटिकल सेक्शन, एग्जीक्यूटिंग द क्रिटिकल सेक्शन एंड रिलीजिंग द क्रिटिकल सेक्शन। अब डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमारे पास रिक्वेस्टिंग सेट जो है, कोई एक पर्टिकुलर साइट SI रिक्वेस्ट कर रही है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर करने के लिए, तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट मैसेज फॉरवर्ड किया उसने टू ईच एंड एवरी साइट इन द रिक्वेस्टिंग क्यू। वो ईच एंड एवरी साइट हमने माना SJ। अब जब SJ पे कोई रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगी तो जो सेकेंड स्टेप है रिक्वेस्टिंग का, वो कैसे बिहेव करेगा। SJ तभी रिप्लाई मैसेज भेजेगा जब इफ SJ हैज नॉट सेंड अ रिप्लाई मैसेज टू अ साइट फ्रॉम द टाइम इट रिसीव्स द लास्ट रिलीज मैसेज। अब देखिए, हमने रिप्लाई और रिलीज को अंडरलाइन किया हुआ है। अंडरलाइन इसलिए किया हुआ है कि ये SJ तभी SI को रिप्लाई मैसेज भेजेगा तब उसने इससे पहले कोई रिप्लाई मैसेज सेंड नहीं करा है। कब? जब तक उसने लास्ट रिलीज मैसेज नहीं मिला। उससे पहले कोई करा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट रिलीज मैसेज जब उसको मिला उसके बाद अभी तक उसने कोई भी रिप्लाई मैसेज किसी और साइट को फॉरवर्ड नहीं किया है तो ही वो रिप्लाई मैसेज फॉरवर्ड करेगा SJ को। नहीं तो अगर ऐसा उसने कर रखा है, ऑलरेडी रिप्लाई कर रखा है किसी और को, तो वो क्या करेगा, उसके पास एक क्यू है, वो उस क्यू में उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को अपडेट कर देगा। हमने ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में बताया है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बताया है कि क्यू क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो वो क्या करेगा, SJ को, SJ क्यू क्या करेगी, अपने अंदर SI की रिक्वेस्ट को स्टोर कर लेगी या पुट कर लेगी। नेक्स्ट, रिक्वेस्टिंग द क्रिटिकल सेक्शन, अगर SJ ने रिप्लाई कर दिया है तो सेकेंड स्टेप पे आ जाएंगे। सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप है हमारा एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूटिंग किसका, SI का। तो यहाँ पर हमारे पास है SI एक्सेसिंग क्रिटिकल सेक्शन ओनली आफ्टर रिसीव्ड रिप्लाई मैसेज। रिप्लाई भी हमने अंडरलाइन किया है, रिप्लाई मैसेज फ्रॉम ऑल द साइट्स। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप है, जब उसको रिप्लाई मैसेज मिल जाएगा तो वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा अपने क्रिटिकल सेक्शन को। अब आते हैं थर्ड स्टेप की बात करते हैं। थर्ड स्टेप में क्या है हमारा, थर्ड स्टेप है रिलीजिंग द क्रिटिकल सेक्शन। रिलीजिंग द क्रिटिकल सेक्शन में हमारे पास यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट ये कहता है कि SI जब एग्जीक्यूट कर चुका है क्रिटिकल सेक्शन को अपने, तो वो क्या करेगा, रिलीज करने के लिए एक रिलीज मैसेज फॉरवर्ड करेगा टू ऑल द साइट्स इन अ रिक्वेस्टिंग क्यू। तो वो हमने मान लिया रिलीज मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है SJ साइट्स को। ठीक, अब पहले दोनों एल्गोरिदम्स हमारी यहाँ पर ख़त्म हो जाती थी, लेकिन अब अगर हम मैकावा एल्गोरिदम की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक स्टेप एक्स्ट्रा है। वो एक स्टेप एक्स्ट्रा क्या है, वो एक स्टेप एक्स्ट्रा ये है कि जब SJ को रिलीज मैसेज मिल गया है तो SJ क्या करेगा, रिप्लाई मैसेज करेगा टू ऑल द वेटिंग साइट्स। ये वेटिंग साइट्स हैं, वो वेटिंग साइट्स का डेटाबेस उसको कहाँ से पता चल रहा है, वो हमें क्यू से पता चल रहा है, ये SJ की क्यू है। हमने फर्स्ट के सेकंड स्टेप में आप देखिएगा, अगर उसने कोई रिप्लाई मैसेज फॉरवर्ड नहीं किया तो उसने अपडेट कर लिया था उसकी रिक्वेस्ट को अपने क्यू के अंदर। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे जब उसको रिलीज मैसेज मिल गया है कि SJ अपना काम कंप्लीट कर चुका है, अपना क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर चुका है,
तो SJ क्या कर रहा है, SJ एक रिप्लाई मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है टू ऑल द वेटिंग साइड इन द रिक्वेस्टिंग क्यू। और ये क्यू है हमारा कि KLMNO n नंबर ऑफ साइट्स हैं, तो ये पर्टिकुलर वेटिंग स्टेट के अंदर है, तो इनको किसी को रिप्लाई मैसेज वो फॉरवर्ड करेगा जो भी पहले आया होगा, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हमने ऑलरेडी बताया था क्यू है फर्स्ट इन, फीफो पे बेस्ड होता है, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो वो उसको रिप्लाई मैसेज फॉरवर्ड करेगा। अगर कोई रिक्वेस्टिंग सेट हमारा एम्प्टी है तो कोई रिप्लाई मैसेज फॉरवर्ड नहीं होगा, और जिसको भी रिप्लाई मैसेज करेगा, मान लीजिए अगर हमने रिप्लाई मैसेज करा है ओ को, तो ओ को रिप्लाई मैसेज चला जाएगा और ओ को अपने पर्टिकुलर क्यू से वो डिलीट कर देगा। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग टोकन बेस्ड एल्गोरिदम्स की बात करेंगे, उसमें भी हमारे पास तीन एल्गोरिदम्स हैं, स्टेप्स सेम रहेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, टोकन के अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे। थैंक यू।